चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एक्सप्रेस जहाँ तक मुझे पता है चेन्नई एक्सप्रेस तो रामेश्वरम नहीं जाती एक्चुअली शुरुआत से शुरू करते हैं दादाजी और सचिन दोनों 99 पे आउट हो कि हर इंसान की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही तय होती है गोवा इज ऑन दादी जी मैं लाइफ में कुछ और करना चाहता हूँ तुझे मेरा एक काम करना होगा हाँ कहिए दादी जी तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों का आधा हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए और दूसरा आधा हिस्सा रामेश्वरम में एक्चुअली शुरुआत से शुरू करते हैं फ्रेंड्स दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो कैसे हो दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल गोल्ड माइनस स्टूडियो में और आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के बारे में डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन यह संवाद शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई मरतबा बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमन मैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है ओम शांति ओम के करीब छह साल बाद दीपिका पादुकोन और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा था बॉक्स ऑफिस पर तब सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पांच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित के इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मुर्रानी को साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहल किसी बॉलीवुड मूवी में नजर नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशंस में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कॉस्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के परखच्चे उड़ते सीन फिल्म की खासियत है शाहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं करीब 40 साल के हो चुके राहुल की अब तक शादी नहीं हुई वैसे राहुल के शादी न करने की दूसरी बड़ी वजह उसके अपने दादा और दादी के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलते हैं चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मीनामा से होती है इसी ट्रेन में मीनामा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं कि मीनामा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि न चाहकर भी राहुल को मीनामा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव में मीनामा के पिता दुर्गेश्वरा अजहागुसुंदरम का दबदबा है पूरा गांव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहता है बिन मां की मिनम्मा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तांगाबल्ली के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मिनम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रिति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स किए हैं जिनके जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शाहरुख कितनी बार निभा चुके हैं यह तो शायद उन्हें भी मालूम ना हो राहुल में दिल वाले दुल्हनियां ले के, के राज की झलक नजर आती है वही इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है अगर एक्शन सीन्स और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तू कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की कोई फिल्म बन जाए वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अद्वितीय लोकेशन फिल्म का प्लस पॉइंट है तो कमजोर स्क्रिप्ट शाहरुख की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमजोर कड़ी भी है तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा पता चल स, जा प, पता चल सकेगा पहला पॉइंट है, एक लड़का था सावला सा औसत चेहरे और कद काठी वाला उसने नब्बे नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नीयत के साथ और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी उस लड़के शाहरुख खान के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ हो चले उस लड़के की यादों को बार बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डीडीएलजे की तर्ज पर शाहरुख ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेतहाशा भागती दीपिका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की कई फिल्मी छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लोभाता है तो नंबर दो में बात करते हैं एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर शेट्टी थे सो उसने जो पहली फिल्म बनाई जमीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला कि एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यह सभी है मगर इसमें एक चीज और जुड़ गई जिसका जिक्र ऊपर किया गया शाहरुख खान यह बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख को रखने के फेर में वो चीज मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुजा फड़फड़काता एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सबको भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दीवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूं है कि राहुल के, के मां-पापा नहीं हैं दादाजी थे अब नहीं है वो मगर है उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई से रामेश्वर जाकर दादाजी की अस्थियां बहानी है मगर 40 के हो गए हैं और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता नहीं है वो उतरता है एक नई जमीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किससे सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की जमीन पर हकलाते, हकलाते से। बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस शेर में प्यार हो जाता है और आखिर में शाहरुख की ही फिलॉसफी में कहें तो सब ठीक हो जाता है तो नंबर चेन्नई एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है यह ज्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देखकर निकली पंजाबी आंटी के शब्दों में कहें तो इल्ले इल्ले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और न जानने को लेकर घड़ा गया ज़्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तरस खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक का को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी नंबर पांच फिल्म के गाने अच्छे हैं और शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रियमणि ताज़ा दिखी हैं। तितली गाने में दीपिका कई तरह की दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों के बीच महकती खूब खुशबूदार लगी हैं दूसरे गाने भी अच्छी हैं मगर एक वक्त के बाद जब आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ जोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है पर शायद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहां पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने की हीरो को का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है नंबर छह फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहां एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनियत से भरपूर गांव खेत और समंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई करती हुई फिल्म है ये नंबर सात पर जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुए हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्यूट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज है मगर पब्लिक तीन घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मजा और उनकी भूवी अपने कई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को नंबर आठ पर शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहां तो वह बिल्कुल आखिर में एक प्रेमी के रूप में नजर आते हैं सबसे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी है ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहीं तो ज्यादा जमे नहीं शाहरुख दीपिका जरूर मीना के रोल में रस सी गई उनके और शाहरुख के बीच की के केमिस्ट्री लेकिन ज्यादा बुलाहट पैदा नहीं कर पाई शाहरुख का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछलकर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में झपटा मारते अजय याद आ रहे हैं बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा यह रहा कि शेट्टी टीम के रेगुलर फेम फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था नंबर नौ फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि ये एक, एक ही मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती और फिर पटरी पर नजर आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागे के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी मगर आखिरी में चक दे इंडिया की सत्तर मिनट वाली स्पीच की तरह मीना के पिता के सामने राहुल की स्पीच उसकी निष्कर्ष पर खत्म हुई के प्यार की कोई बंधी हुई भाषा नहीं होती पर यह तो हम पहले से ही जानते हैं आप जानते हैं कि नहीं सो नंबर दस पर है फिल्म देखें अगर शाहरुख रोहित चट्टी दीपिका पादुकोन बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों गानों नाच और धुआंधार कार उड़ाऊ एक्शन के फैन हैं। फिल्म के आखिरी में साउथ के सुपर हीरो रजनी अन्ना का यो यो हनी सिंह का बनाया गाना मिस ना करें। जैसा मीना राहुल को कहती है कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी तो अपनी डिक्शनरी से बकवास शब्द को निकाल दें तो एंजॉय की जा सकती है फैमिली और खासतौर पर बच्चों के साथ जाकर चेन्नई एक्सप्रेस नारियल पानी के साथ लस्सी मिक्स शुरू से अंत तक आप देखें हिंदी फिल्म और महसूस करें साउथ को यह है नया फ्लेवर हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसी कि न डबिंग की जरूरत और न सब की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की संस्कृत रील में देश एक मेक हुआ जा रहा है यह रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है। चेन्नई एक्सप्रेस एक नया सिनेमाई अनुभव है बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बोल बच्चन ज्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकुलेबाजी के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवस पर तेज रफ्तार उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज को बरकरार रखा है वहीं शाहरुख खान ने इसलिए यह फिल्म नया एनर्जी ड्रिंक है वे अपने रूमानी रूप में पुराने राहुल हील लगे हैं और जब प्यार की कसमें खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आपने परदेश और दलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख को पसंद किया है तो वे आपको यहां भी जरूर अच्छे लगेंगे फिल्म में का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है। जैसे-जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती है उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नायिकाओं का सम्मान देने वाले शाहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो वह दीपिका के परफॉर्मेंस से घबरा कर उनके रोल पर कैंची चलवा सकता था दीपिका ने यहां खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मीलों आगे साबित किया है और बताया है कि वे अभी लंबी दूरियां तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक हैं जा करके शाहरुख नाकामी के जिस भंवर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार लिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी सरल है हीरो को दादा हीरो का दादाजी के ने बचपन से पाला है सौवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को निन्यानवे पर आउट होते देख वे दुनिया से कूच कर जाती हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थियां रामेश्वर में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकला है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उनके चंगुल में फंस जाता है आखिर सारा मांजरा क्या है पहले ही सीन फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए है अतः किसी भी कौन से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की जरूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन पर भारी है लोंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लोंगी डांस यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम है इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चांद उत्तर के आकाश से निकलता है एक ही संदेश के साथ लूंगी उठाओ पूंगी बजाओ अगर आप शाहरुख खान के चेन्नई एक्सप्रेस को बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखेंगे तो गारंटी बोर नहीं होंगे और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुनी हो लेकिन हां कॉमेडी एंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करते करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उनकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वर भेजना चाहती हैं। दादी को बेवकूफ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख हेरोइन यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यहीं से दिल वाले दुल्हनियां ले के स्टाइल में चल पड़ती है लव एक्सप्रेस चेन्नई में कॉम्बन गोवा के डॉन की बेटी होती है मीना जो अपने अप्पा की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की जिंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने से कई ज्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भरता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित तो शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंहम दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो थिएटर में कई लोग आपको हंसते नजर आएंगे इसकी कई वजहें हैं पहली आमतौर पर भी जब कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्म में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो दीपिका यानी चेन्नई की मिनाम्मा उर्फ मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी भी आती है हालांकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्युनिटी ने इस पर एतराज भी जताया है लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसे दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शाहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी मां तब तमिल भाषा नहीं जानने वाले को हंसी आती है इसके जवाब में शाहरुख कहते हैं यह मेरी मां के बारे में क्या बोल रहे हैं दिलचस्प बात है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शाहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं, जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा सूट करते हैं शाहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फुल कॉमेडी से कॉमेडी में हाथ आजमाया है कहीं कहीं पर आपको शाहरुख के एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर नजर आएंगे फिर भी शाहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेड डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी के फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठकर देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की कई वजहें हैं सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की है ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाती है फिर शाहरुख की पॉपुलैरिटी तो सात समंदर पार भी है अब तो सलमान और शाहरुख दोस्त भी बन चुके हैं यानी सलमान के फैंस शाहरुख के फैंस हैं ऐसे में टिकट खिड़की पर लाइन लगनी तो तय है फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं साल 2007 में दीपिका ने शाहरुख के ऑपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात करनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती है ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ ना जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमणि का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों से कॉमेडी में अपनी स्टैंप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म में के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं थी फिल्म में दिखाया गया साउथ का सेटअप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं दीपिका का एक्सेंट और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फिल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है देवीकुल्लम झील मिसा पुल्ली मला वा एंड कन्नीमला में भी कई सीन्स शूट किए गए हैं लेकिन फिल्म में कुछ वजहों के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है फिल्म के के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट दिया गया है गाने का नाम है लूंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वहीं फिल्म के बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक है लेकिन गाना इतने भी अच्छे नहीं है कि आप बार बार सुनना चाहें फिल्म में शाहरुख चालीस के दिखाए गए हैं शायद रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर जो उनकी उम्र के ही हैं के साथ ज्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लग रही हैं लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी कहीं कहीं कर पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख कॉमेडी में पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं इस फिल्म में शाहरुख ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डीडीएलजे के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कारें उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम रखे आइटम रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजक के नाम पर जो हरकतें की गई वो बिल्कुल लुभाती नहीं है है यह फिल्म पूरी तरह से है। कहानी बेहद साधारण है राहुल को अपने दादा की अस्थियां रामेश्वर में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन में उतरकर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना प्लेटफॉर्म पर दौड़ी दौड़ लगाती हुई आती है राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बैठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं, उनकी भी वह मदद कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण कर गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती है और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएं घटती हैं और प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मजेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देता है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू निरादर है लिहाजा बार-बार कमियों की ओर ध्यान जाता है जैसे दीपिका के गांव में जाकर शाहरुख फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता कहीं से मोबाइल का इंतजाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं है जबकि कितनी भी कमजोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वो डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश कभी यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शाहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख दीपिका पर इतना ज्यादा फोकस रहता है कि कोफत होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होने लगती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में है रोहित जन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिल भाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो तमिल भाषी है मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया इंटरवल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने रखे हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बाद के दोनों किरदारों में रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज्यादा फिल्म गुजरने के दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई उट पटांग प्रसंग देखकर दर्शक थक चुका होता है इंटरवल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है खास तौर पर ट्रेन में शाहरुख दीपिका और गुंडों के दृश्यों की लंबाई बहुत ज्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शाहरुख और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं, लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम अश्लीलता और सुहरता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिर परिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बहुत ही बेहतरीन है कहा जा सकता है कि एक मात्र कारण है जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्मों आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और निकेतन धीर के लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छा लगता है रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की उपेक्षाएं पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खरी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग चार हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई थी बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म जिसका टाइटल था चेन्नई एक्सप्रेस ओम शांति ओम के करीब छह साल बाद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा था बॉक्स ऑफिस पर तब सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पांच साल पहले रोहित शेट्टी ने के एस सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित के इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मुर्रानी को साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहल किसी बॉलीवुड मूवी में नजर नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशंस में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कॉस्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के परखच्चे उड़ते सीन फिल्म की खासियत है शाहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं करीब 40 साल के हो चुके राहुल की अब तक शादी नहीं हुई वैसे राहुल के शादी न करने की दूसरी बड़ी वजह उसके अपने दादा और दादी के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलते हैं चन्न जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मीनामा से होती है इसी ट्रेन में मीनामा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं कि मीनामा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि न चाहकर भी राहुल को मिन्नामा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव में मिन्नामा के पिता दुर्गेश्वरा अजहागु सुंदरम का दबदबा है पूरा गांव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहता है बिन मां की मिन्नामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तंगाबल्ली के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मिन्नम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स की हैं जिनके जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शाहरुख कितनी बार निभा चुके हैं यह तो शायद उन्हें भी मालूम ना हो राहुल में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स... के राज की झलक नजर आती है वही इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है अगर एक्शन सीन्स और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तू कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की कोई फिल्म बन जाए वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अद्वितीय लोकेशन फिल्म का प्लस पॉइंट है तो कमजोर स्क्रिप्ट शाहरुख की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमजोर कड़ी भी है तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा पता, पता चल सकेगा पहला पॉइंट है एक लड़का था सावला सा औसत चेहरे और कद काठी वाला उसने नब्बे नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नियत के साथ और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी उस लड़के शाहरुख खान के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ हो चले उस लड़के की यादों को बार-बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डीडीएलजे की तर्ज पर शाहरुख ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेतहाशा भागती दीपिका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की कई फिल्मी छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लुभाता है तो नंबर दो में बात करते हैं एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर शेट्टी थे सो उसने जो पहली फिल्म बनाई जमीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला कि के एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यह सभी है मगर इसमें एक चीज और जुड़ गई जिसका जिक्र ऊपर किया गया शाहरुख खान यह बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख को रखने के फेर में वो चीज मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुजा फड़ एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सबको भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दिवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूं है कि राहुल के मां पापा नहीं है दादाजी थे अब नहीं है वो मगर है उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई से रामेश्वर जाकर दादाजी की अस्थियां बहानी है। मगर के हो गए हैं और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता नहीं है वो उतरता है एक नई जमीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किससे सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की जमीन पर हकलाते हकलाते से। बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस शेर में प्यार हो जाता है और आखिर में शाहरुख की ही फिलॉसफी में कहें तो सब ठीक हो जाता है तो नंबर चार चेन्नई एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है यह ज्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देखकर निकली पंजाबी आंटी के शब्दों में कहें तो इल्ले इल्ले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और न जानने को लेकर घड़ा गया हास ज्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तर्स खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक का को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी नंबर पांच फिल्म के गाने अच्छे हैं और शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रियमणि ताजा दिखी है तितली गाने में दीपिका कई तरह की दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों के बीच महकती खूब खुशबूदार लगी है दूसरे गाने भी अच्छी हैं मगर एक वक्त के बाद जब आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ जोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है पर शायद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहां पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने की हीरो को का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है नंबर छह फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहां एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनियत से भरपूर गांव खेत और समंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई करती हुई फिल्म है ये नंबर सात पर जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुए हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्यूट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज हैं मगर पब्लिक 3 घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मजा और उनकी मूवी अपने कई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को नंबर आठ पर शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहां तो वह बिल्कुल आखिर में एक प्रेमी के रूप में नजर आते हैं सबसे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी है ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहीं तो ज्यादा जमे नहीं शाहरुख दीपिका जरूर मीना के रोल में रस सी गई उनके और शाहरुख के बीच की के केमिस्ट्री लेकिन ज्यादा कुलबुलाहट पैदा नहीं कर पाई शाहरुख का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछलकर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में मारते अजय याद आ रहे हैं बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा यह रहा कि शेट्टी टीम के रेगुलर फेम फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था नंबर नौ फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि ये एक एक ही मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती और फिर पटरी पर नजर आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागे के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी मगर आखिरी में चक दे इंडिया की सत्तर मिनट वाली स्पीच की तरह मीना के पिता के सामने राहुल की स्पीच उसकी निष्कर्ष पर खत्म हुई कि प्यार की कोई बंधी हुई भाषा नहीं होती पर ये तो हम पहले से ही जानते हैं आप जानते हैं कि नहीं सो नंबर दस पर है फिल्म देखें अगर शाहरुख रोहित चट्टी दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों गानों एक्शन के फैन फिल्म के सुपर हीरो रजनी अन्ना का यो यो हनी सिंह का बनाया गाना मिस न करें जैसा मीना राहुल को कहती है कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी तो अपनी डिक्शनरी से बकवास शब्द को निकाल दें तो एंजॉय की जा सकती है फैमिली और खासतौर पर बच्चों के साथ जाकर चेन्नई एक्सप्रेस नारियल पानी के साथ लस्सी मिक्स शुरू से अंत तक आप देखें हिंदी फिल्म और महसूस करें साउथ को यह है नया फ्लेवर हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसी कि न डबिंग की जरूरत और न सब की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की संस्कृत रील में देश एक मेक हुआ जा रहा है यह रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है चेन्नई एक्सप्रेस एक नया सिनेमाई अनुभव है बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बोल बच्चन ज्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकुलेबाजी के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवस पर तेज रफ्तार उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज को बरकरार रखा है वहीं शाहरुख खान ने इसलिए यह फिल्म नया एनर्जी ड्रिंक है वे अपने रूमानी रूप में पुराने राहुल हील लगे हैं और जब प्यार की कसमें खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आपने परदेश और दलवाले दुनिया ले जाएंगे मैं शाहरुख को पसंद किया है तो वे आपको यहां भी जरूर अच्छे लगेंगे फिल्म में दीपिका पादुकोण का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है जैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती है उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नायिकाओं का सम्मान देने वाले शाहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो वह दीपिका के परफॉर्मेंस से घबरा कर उनके रोल पर कैची चलवा सकता था दीपिका ने यहां खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मीलों आगे साबित किया है और बताया है कि वे अभी लंबी दूरियां तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक है जहां करके शाहरुख नाकामी के जिस भवर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार लिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी सरल है हीरो को दादा हीरो का दादाजी के ने बचपन से पाला है सौवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को निन्यानवे पर आउट होते देख वे दुनिया से कूच कर जाती हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थियां रामेश्वर में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकला है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उनके चंगुल में फंस जाता है आखिर सारा क्या है पहले ही सीन से फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए हैं अतः किसी भी कौन से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की जरूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन पर भारी है लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम है इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चांद उत्तर के आकाश से निकलता है एक ही संदेश के साथ लुंगी उठाओ पूंगी बजाओ अगर आप शाहरुख खान के चेन्नई एक्सप्रेस को बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखेंगे तो गारंटी बोर नहीं होंगे और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी एंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करते करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उनकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वर भेजना चाहती हैं। दादी को बेवकूफ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख हेरोइन यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यहीं से दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के के स्टाइल में चल पड़ती है लव एक्सप्रेस चेन्नई में कॉम्बन गोवा के डॉन की बेटी होती है मीना जो अपने अप्पा की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है फिर कैसे हिम्मत जुटाता है और अपने से कई ज्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भरता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंहम दमंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें यहां तक बात कॉमेडी की है तो थिएटर में कई लोग आपको हंसते नजर आएंगे इसकी कई वजह है पहली आमतौर पर भी जब कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्म में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो दीपिका यानी चेन्नई की मीनमा उर्फ मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी भी आती है हालांकि यह खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्युनिटी ने इस पर एतराज भी जताया है लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसे दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शाहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी मां तब तमिल भाषा नहीं जानने वाले को हंसी आती है इसके जवाब में शाहरुख कहते हैं यह मेरी मां के बारे में क्या बोल रहे हैं दिलचस्प बात है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शाहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं जैसे आई एम राहुल एंड एम नॉट अ टेररिस्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा सूट करते हैं शाहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फोल कॉमेडी से कॉमेडी में हाथ आजमाया है कहीं कहीं पर आपको शाहरुख के एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर नजर आएंगे फिर भी शाहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेडी डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी की फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठकर देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की कई वजहें हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिनों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की है ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाती है फिर शाहरुख की तो तो सात समंदर पार भी है। अब तो सलमान और शाहरुख दोस्त भी बन चुके हैं यानी सलमान के फैंस शाहरुख के फैंस हैं ऐसे में टिकट खिड़की पर लाइन लगनी तो तय है फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं साल 2007 में दीपिका ने शाहरुख के ऑपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात करनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती है ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमणि का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों से कॉमेडी में अपनी स्टैंप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म में के लिए पहली बार भर दी थी। खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया। फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं थी फिल्म में दिखाया गया साउथ का सेटअप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं। दीपिका का एक्सेंट और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फिल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है देवीकुलम झील में भी कई सीन्स गए लेकिन फिल्म में कुछ के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है फिल्म के, के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट दिया गया है गाने का नाम है लुंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वहीं फिल्म के बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक है लेकिन गाना इतने भी अच्छे नहीं है कि आप बार बार सुनना चाहें फिल्म में शाहरुख 40 के दिखाए गए हैं शायद रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर जो उनकी उम्र के ही हैं के साथ ज्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी कहीं कहीं-कहीं पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख कॉमेडी में पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आप शाहरुख के फैन हैं तो उनकी ओवर एक्टिंग भी पसंद कर लेंगे वरना यह मेहनत साफ नजर आएगी हमारी तरफ से इस फिल्म को चार नंबर दिए जाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस इज अ अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन यह संवाद शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई मरतबा बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमनमैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है लगता है कि शाहरुख खान दूसरे कलाकारों की इडली डोसा छाप फिल्मों की सफलता को देख घबरा गए और उन्होंने भी उस लकीर पर चलने की कोशिश की एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमन सेंस को किनारे रखा और नतीजे में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म सामने आती है जिसमें मनोरंजक नामक इंजन नहीं है इस फिल्म में शाहरुख ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डीडीएलजे के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कारें उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम रखे आइटम सॉन्ग रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजक के नाम पर जो हरकतें की गई वो बिल्कुल लुभाती नहीं है यह फिल्म पूरी तरह से स्पाट है कहानी बेहद साधारण है राहुल को अपने दादा की अस्थियां रामेश्वर में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन में उतरकर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना प्लेटफॉर्म पर दौड़ी दौड़ लगाती हुई आती है राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बैठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं उनकी भी वह मदद कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण कर गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती है और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएं घटती हैं और प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं। रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मजेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देता है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू नरादर है लिहाजा बार बार कमियों की ओर ध्यान जाता है जैसे दीपिका के गांव में जाकर शाहरुख फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता कहीं से मोबाइल का इंतजाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं है जबकि कितनी भी कमजोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वो डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश कभी यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शाहरुख शाहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख दीपिका पर इतना ज्यादा फोकस रहता है कि कोफत होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होने लगती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में है रोहित जन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिल भाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हेरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो तमिल भाषी है मसादा फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया इंटरवल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने रखे हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बाद माने जाते हैं और कहानी भी यह मांग थी कि मुंबई से रामेश्वर की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों में रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज्यादा फिल्म गुजरने के दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई पटांग प्रसंग देखकर दर्शक थक चुका होता है इंटरवल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है खास तौर पर ट्रेन में शाहरुख दीपिका और गुंडों के दृश्यों की लंबाई बहुत ज्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शाहरुख और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं, लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम अश्लीलता और फुहड़ता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिर परिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमैक्स में उनका अभिनय बहुत ही बेहतरीन है कहा जा सकता है कि एकमात्र कारण है जिसकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्मों आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और निकेतन धीर के लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छा लगता है रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की उपेक्षाएं पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खड़ी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग चार हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई थी बॉलीवुड के किंग खान की फिल्म जिसका टाइटल था चेन्नई एक्सप्रेस ओम शांति ओम के करीब छह साल बाद दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा था बॉक्स ऑफिस पर तब सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पांच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया इसी बीच रोहित ने अपनी हर हाँ नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित के इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी और अपने दोस्त करीम मुरानी को साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहल किसी बॉलीवुड मूवी में नजर नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशंस में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कॉस्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के परखच्चे उड़ते सीन फिल्म की खासियत है शाहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं करीब 40 साल के हो चुके राहुल की अब तक शादी नहीं हुई वैसे राहुल के शादी न करने की दूसरी बड़ी वजह उसके अपने दादा और दादी के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादाजी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलते हैं चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना उर्फ मीनामा से होती है इसी ट्रेन में मीनामा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं कि मीनामा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि न भी राहुल को मिन्नामा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव गांव में के पिता दुर्गेश्वरा अजहागु सुंदरम का दबदबा है। पूरा उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहता है बिन मां की मिन्नामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तांगा बल्ली के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मिन्नम्मा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन्स किए हैं जिनके जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शाहरुख कितनी बार निभा चुके हैं यह तो शायद उन्हें भी मालूम न हो राहुल में दिल वाले ले जाएं के, स... के राज की झलक नजर आती है इंटरवल से पहले शाहरुख खान अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफी कमजोर है अगर एक्शन सीन्स और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तू कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्च किया उतने में सीमित बजट की कोई फिल्म बन जाए वहीं फिल्म के दूसरे गानों में टिपिकल साउथ टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने कभी पर्दे पर नहीं देखा होगा रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अद्वितीय लोकेशन फिल्म का प्लस पॉइंट है तो कमजोर स्क्रिप्ट शाहरुख की ओवर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमजोर कड़ी भी है तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिससे आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ज्यादा पता, पता चल सकेगा पहला पॉइंट है एक लड़का था सावला सा औसत चेहरे और कद वाला। उसने नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नियत के साथ, और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी उस लड़के शाहरुख खान के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ हो चले। उस लड़के की यादों को बार बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डीडीएलजे की तर्ज पर शाहरुख ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेतहाशा भागती दीपिका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की कई फिल्मी छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लुभाता है तो नंबर दो में बात करते हैं एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर शेट्टी थे सो उसने जो पहली फिल्म बनाई जमीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला के एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यह सभी है मगर इसमें एक चीज और जुड़ गई जिसका जिक्र ऊपर किया गया शाहरुख खान यह बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख को रखने के फेर में वो चीज मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुजा फड़फड़काता एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सब को भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दीवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यू है कि राहुल के मां पापा नहीं है दादाजी थे अब नहीं है वो मगर है उसकी दादी का कहा के राहुल को मुंबई से रामेश्वर जाकर दादाजी की अस्थियां बहानी है मगर चालीस के हो गए हैं और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता नहीं है वो उतरता है एक नई जमीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किससे सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की जमीन पर हकलाते हकलाते बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस शेर में प्यार हो जाता है और आखिर में शाहरुख की ही फिलॉसफी में कहें तो सब ठीक हो जाता है तो नंबर चार चेन्नई एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है ज्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देखकर निकली पंजाबी आंटी के शब्दों में कहें तो इल्ले इल्ले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और न जानने को लेकर घड़ा गया हास ज्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तरस खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक का को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी नंबर पांच फिल्म के गाने अच्छे हैं और शाहरुख खान की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रियमणि ताजा दिखी है तितली गाने में दीपिका कई तरह की दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों के बीच महकती खूब खुशबूदार लगी हैं दूसरे गाने भी अच्छी हैं मगर एक वक्त के बाद जब आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ जोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है पर शायद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहां पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने की हीरो को का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है नंबर छह फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहां एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनियत से भरपूर गांव खेत और समंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई करती हुई फिल्म है यह नंबर पर जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुए हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्यूट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज हैं, मगर पब्लिक तीन घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मजा और उनकी भूवी अपने कई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को नंबर आठ पर शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहां तो वह बिल्कुल आखिर में एक प्रेमी के रूप में नजर आते हैं सबसे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी है ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहीं तो ज्यादा जमे नहीं शाहरुख दीपिका जरूर मीना के रूल में रस सी गई उनके और शाहरुख के बीच की के के केमिस्ट्री लेकिन ज्यादा कुलबुलाहट पैदा नहीं कर पाई शाहरुख का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछलकर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में झपटा मारते अजय याद आ रहे हैं बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा यह रहा कि शेट्टी टीम के रेगुलर फेम फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था नंबर नौ फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि यह एक, एक ही मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती और फिर पटरी पर नजर आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागे के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी मगर आखिरी में चक दे इंडिया की सत्तर मिनट वाली स्पीच की तरह मीना के पिता के सामने राहुल की स्पीच उसकी निष्कर्ष पर खत्म हुई के प्यार की कोई बंधी हुई भाषा नहीं होती पर ये तो हम पहले से ही जानते हैं आप जानते हैं कि नहीं सो नंबर दस पर है फिल्म देखें अगर शाहरुख रोहित शेट्टी दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों गानों नाच और धुआंधार कार उड़ाऊ एक्शन के फैन हैं फिल्म के आखिरी में साउथ के सुपर हीरो रजनी अन्ना का यो यो हनी सिंह का बनाया गाना मिस न करें जैसा मीना राहुल को कहती है कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी तो अपनी डिक्शनरी से बकवास शब्द को निकाल दे तो एंजॉय की जा सकती है फैमिली और खासतौर पर बच्चों के साथ जाकर चेन्नई एक्सप्रेस नारियल पानी के साथ लस्सी मिक्स शुरू से अंत तक आप देखें हिंदी फिल्म और महसूस करें साउथ को यह है नया फ्लेवर हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसी कि न डबिंग की जरूरत और न सब की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की संस्कृत रील में देश एक मेक हुआ जा रहा है यह रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है चेन्नई एक्सप्रेस एक नया सिनेमाई अनुभव है बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बोल बच्चन ज्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकुलेबाजी के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवस पर तेज रफ्तार उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज को बरकरार रखा है वहीं शाहरुख खान ने इसलिए नया एनर्जी ड्रिंक है वे अपने रूमानी रूप में पुराने राहुल ही लगे हैं और जब प्यार की कस्में खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आपने परदेश और दलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मैं शाहरुख को पसंद किया है तो वे आपको यहां भी जरूर अच्छे लगेंगे फिल्म में दीपिका पादुकोण का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है जैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती है उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नायिकाओं का सम्मान देने वाले शाहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो वह दीपिका के परफॉर्मेंस से घबरा कर उनके रोल पर कैची चलवा सकता था दीपिका ने यहां खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मीलों आगे साबित किया है और बताया है कि वे अभी लंबी दूरियां तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक हैं जहां करके शाहरुख नाकामी के जिस भवर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार लिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी सरल है हीरो को दादा हीरो का दादाजी के ने बचपन से पाला है सौवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को निन्यानवे पर आउट होते देख वे दुनिया से कूच कर जाते हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थियां रामेश्वर में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकला है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उनके चंगुल में फंस जाता है आखिर सारा मांजरा क्या है पहले ही सीन से फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए है अतः किसी भी कोण से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की जरूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन पर भारी है लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम है इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चांद उत्तर के आकाश से निकलता है एक ही संदेश के साथ लूंगी उठाओ पूंगी बजाओ अगर आप शाहरुख खान के चेन्नई एक्सप्रेस को बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगे तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखेंगे तो गारंटी बोर नहीं होंगे और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने पहले कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी एंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करते करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उनकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वर भेजना चाहती हैं। दादी को बेवकूफ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख हेरोइन यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यहीं से दिल वाले दुल्हनियां ले जाए के के चल पड़ती है लव एक्सप्रेस चेन्नई में कॉम्बन गोवा के डॉन की बेटी होती है मीना जो अपने अप्पा की पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की जिंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने से कई ज्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भरता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंहम दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो थिएटर में कई लोग आपको हंसते नजर आएंगे इसकी कई वजहें हैं पहली आमतौर पर भी जब कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्म में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो दीपिका यानी चेन्नई की मीनमा उर्फ मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी भी आती है हालांकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्युनिटी ने इस पर एतराज भी जताया है लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसे दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शाहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी मां तब तमिल भाषा नहीं जानने वाले को हंसी आती है इसके जवाब में शाहरुख कहते हैं यह मेरी मां के बारे में क्या बोल रहे हैं दिलचस्प बात है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शाहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं, जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा सूट करते हैं शाहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार कॉमेडी से कॉमेडी में हाथ आजमाया है कहीं कहीं पर आपको शाहरुख के एक्स्ट्रा जरूर नजर आएंगे फिर भी शाहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेड डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी के फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठकर देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की कई वजहें हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की है ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाती है फिर शाहरुख की पॉपुलैरिटी तो सात समंदर पार भी है अब तो सलमान और शाहरुख दोस्त भी बन चुके हैं यानी सलमान के फैंस शाहरुख के फैंस हैं ऐसे में टिकट खिड़की पर लाइन लगनी तो तय है फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं साल 2007 में दीपिका ने शाहरुख के ऑपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाती है शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात करनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती है ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमी का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों से कॉमेडी में अपनी स्टैंप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म में के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं थी फिल्म में दिखाया गया साउथ का सेटअप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं दीपिका का एक्सेंट और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फिल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है देवीकुलम कुल्लम झील मिस्सा पुल्ली वगवरा एंड कन्नी मला में भी कई सीन्स शूट किए गए हैं लेकिन फिल्म में कुछ वजहों के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है फिल्म के के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट दिया गया है गाने का नाम है लूंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वहीं फिल्म के बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक है लेकिन गाना इतने भी अच्छे नहीं है कि आप बार बार सुनना चाहें फिल्म में शाहरुख 40 के दिखाए गए हैं शायद रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर जो उनकी उम्र के ही हैं के साथ ज्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी कहीं कहीं कर पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख कॉमेडी में पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आप शाहरुख के फैन हैं तो उनकी ओवर एक्टिंग भी पसंद कर लेंगे वरना यह मेहनत साफ नजर आएगी हमारी तरफ से इस फिल्म को चार नंबर दिए जाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस इज चेन्नई एक्सप्रेस इज अ 2013 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एन प्रोड्यूस्ड बाय रोनी स्क्रूवाला वाला सिद्धार्थ रॉय कपूर गौरी खान एंड करीम मुरानी बेस्ड ऑन स्टोरी बाय के शुब विद स्क्रीन प्ले रिटन बायस साजा वाला एंड डायलॉग्स बाय फरहद साजिद द फिल्म स्टार्स शाहरुख खान एज राहुल मिठाई वाला अ मैन हु एक्सीडेंटली बोर्ड्स द एपोनिमस ट्रेन एंड जर्नीज फ्रॉम मुंबई टू रामेश्वरम विद द डॉटर ऑफ अ लोकल डॉन प्लेड बाय दीपिका पादुकोन निकितिन धीर एंड सत्यराज राज प्ले सपोर्टिंग रोल्स The first planned collaboration between Khan and Shetty was a remake of *Angoor*. The script of *Chennai Express*, which was initially written as a backup project for Khan, was chosen instead, convinced as a commercial romance. The film was originally titled *Ready Steady Po*. Fil filming began in Mehboob Studio in October 2012, and was completed by may 2013 a large part of the film was set in uti for which sets was constructed in y the soundtrack for chennai express was composed by vishal shekhar with the background score being composed by amar mohile UTV motion pictures came on board as producer and distributor marking its first active project with khan after swades chennai express was released theatrically in overseas market on 8 august 2013 and a day later in india the film received mixed reviews from critics and it broke several box office records in india and abroad becoming the quickest, quickest film to collect 1 billion rupees net domestically the film surpassed 3 idiot, idiots to become the highest grossing Bollywood film worldwide at that point. It is among the highest grossing Bollywood film of all time worldwide. So the story of the movie: Rahul Mithaiwala is a 40-year-old orphaned bachelor living in Mumbai. Raised by his grandparents from the age of eight. Rahul's grandfather, Vishambhar, owns a chain of confectionery shops before. Bishamber's hundredth birthday celebration. Rahul's friends Bobby and Baman invite him to accompany them on a vacation in Goa, which he accepts. Meanwhile, Bishamber dies on the eve of the celebration, just when he witnesses Sachin Tendulkar on TV in a cricket match get dismissed on his 99th run. After Bishamber's funeral, Rahul's grandmother Nitu. Tells Rahul that Bishambar wanted his ashes to be divided into two parts: one part to be immersed in the Ganga, and the other in Rameshwaram. She asks Rahul to take the ashes to Rameshwaram and disperse them. Reluctantly, he accepts his request, but is also eager to attend the Goa trip. Rahul, Bobby, and Baman plans to dump the ashes to at Goa, but Neetu wants to see him off, forcing Rahul to travel by train. He books a single ticket on Chennai express, planning to meet Bobby and Boman along the way at Kalyan junction station. However, Rahul forgets to take the ashes and he almost misses the train when he returns to collect them as Rahul tries to leave the train. He notices a young woman running to board it. He helps her and four other people board the moving train. But the train leaves the station before he can get off. Rahul tries to flirt with the woman, who starts communicating by singing parodies of Hindi film songs and explains that the four men are trying to kidnap her. Rahul lends her his mobile phone so that she can contact her friends, but the men with her, grab it and throw it from the train. Rahul is annoyed but says nothing because the men are carrying weapons. Rahul tells the travelling ticket examiner about them, but they push the inspector into a river below a fridge. Panicked, Rahul learns that the four men are her cousins and that her real name is Minolochin. Minama. She is fleeing from a forced marriage to a ruffian named Tangabali Minamma's father Durgeshwar Durgesh is a powerful headman of the local mafia in Tamil Nadu Minamma takes Rahul to Durgesh and introduces Rahul as her lover Tangabali challenges Rahul to a duel that Rahul unknowingly accepts due to his lack of knowledge in Tamil on the night of the duel, Rahul escapes with the help of a local policeman, Shamsher, but he ends up on a ship with Sri Lankan terrorists and smugglers. A gun battle ensues between the police force and the terrorist. When the police officers investigate and take Rahul into custody, he tells his story and ends up back in Kumban. Terrified and once again surrounded by Durgesh's sickle welding. Henchman Rahul pretends to take Minamma hostage and escapes with her in Durkesh's car, battling Durkesh's men. When the car breaks down, Rahul and Minamma quarrel and parts part ways. Rahul not knowing which way to go returns to Minamma who takes him to the Vidhamba village. Minamma tells the villagers that they are a married couple who need protection and rest. To which the villagers agree. Minamma then realizes that she has fallen in love with Rahul. When Rahul plans to sneak away, she argues not wanting to earn the villagers' distrust. Tangabali catches Rahul as he tries to leave but the villagers help them escape again. Minamma persuades Rahul to disperse Bhishambar's ashes and travels with him to Rameshwaram where they complete the rites on their Way back, Rahul realizes that he has fallen in love with Minamma and does not tell her where they are going. He takes Minamma back to Durgesh and tries to make him understand and honor Minamma's wish. He also tells Minamma that he loves her. Rahul tells Tangabali and his goons that he is ready for the fight this time. In the fight that follows, Rahul is severely injured but emerges victorious. Durgesh and Tangabali reform, accepting that the love of a common man like Rahul is bigger than their physical ability and political influence. Durgesh allows Rahul to marry Mina. Rahul then leaves a message that love knows no regional or language barriers and that with a strong heart there is no limit to what the common man can achieve. So the production of the movie Mayank and Rohit Shetty had originally planned to team up with Shah Khan for a remake of 1982 film Angoor After the 2011 blockbuster Singham Shetty had begun writing the script of the film but left it half finished The script of Chennai Express was ready for Khan as a backup because of the difficulty of obtaining the actors filming dates Upon reading the script, Khan liked the idea and agreed to star in it before the Angur remake, causing Angur's remake to be postponed. Shetty said the film is a, a hardcore commercial film with a romantic angle. The story is about this man's travel from Mumbai to Rameshwaram and what happened during the journey. About 68 minutes of footage were enhanced with CGI by Reliance MediaWorks. Khan was the first actor to be approached with the script and was the first lead actor to be signed for the film. Rohit Shetty stated that despite the title, Khan would not play a South Indian in the film. The casting of the lead heroine was the subject of much press speculation. Karina Kapoor, Asin, and Deepika Padukone were rumored to be involved. Shetty denied those rumors, stating that the cast would be finalized in April 2012 and that he was going to cast an established actress in the role in october 2012 it was confirmed that deepika padukone had been signed to play the female lead opposite Shah Rukh khan and photographs showing padukone and khan shooting were released this was padukone's second film opposite shahrukh khan with whom she made her bollywood debut in the 2007 blockbuster om shanti om starting with his film which was released on Women's Day. Khan wished to have the name of the, his female co star appear above his own in the credits. Satyaraj was cast to play the role of Padukon's character father, making his debut in Bollywood. Actress Priyamani was signed in January 2013 for an item number in the film, replacing Nayanthara. Other personalities from Tamil cinema, including Delhi Ganesh and Mohan Raman appear in minor roles. The film was initially titled as Ready Steady Po. However, to emphasize on the connection with South Indian, the film was retitled as Chennai Express with the planned title used as the tagline. Filming on the project began at Mahmood Studio in Mumbai on 5 October 2012. Additional filming was done at Chhatrapati Shivaji terminus with a minimal crew stills of the lead actors were officially released in mid-october 2012 in november 2012 the cast and the crew went to goa to begin filming the scenes set there vasco da gama railway station was used to portray as kalyan junction railway station a romantic scene on board a train passing next to dudsagar falls was also shot in December 2012, the crew went to Jakarta to film certain scenes. The Pamban Bridge, also known as Annai Indra Gandhi Bridge, connecting the town of Mandapam in Tamil Nadu with Pamban Island and Rameshwaram, was the scene for the song Tera Rasta Choduna. In January 2013, a shoot was supposedly scheduled to take place in Uti. But since Khan felt that Uti was too far from Mumbai, several locations from Uti were reconstructed on the outskirts of Panchgani in Y by the art director Narendra Ruharikar. It took over 40 days and 50 million to build the required sets. Filming in Y took the entire month of March 2013. A 10-day shooting schedule in Munnar. Kerala began in mid April 2013 scenes were filmed at Devikulam Lake Pulimala, Wagawara and Kannimala filming was stopped for several days because of heavy rainfall resulting in the schedule being slightly extended until end of the same month a press conference was held in Munnar in May 2013 scenes were filmed in North Goa Padukone finished shooting on 25th May 2013. Khan flew to Ramoji Film City, Hyderabad, Hyderabad in May 2013 to film his remaining scenes. The film has several Tamil dialogues but to retain context no subtitles were used. Chennai Express was produced by Gauri Khan, Kareem Murani, Ronnie Skuwala and Siddharth Roy Kapoor under the Red Chilli's Entertainment banner it was released internationally by utv motion pictures so the music the score of chennai express was composed by amar mohile the song was song were composed by the duo vishal shekhar and the lyrics were written by amitabh bhattacharya and Yo-Yo hani singh A recording of the songs began in late october 2012 the track ready steady po was recorded in november 2012 by the music's composers Several sources said that the director and actor were unsatisfied with the score. The director was reportedly asked to plan for a different musical composition. However, the composer denied these rumors. In mid April 2013, singer S. P. Balasubramanyam recorded the title song for the film, making his return to Bollywood for playback after an absence of 15 years. He said the song celebrated the spirit of togetherness. Initially, Balasubraman was apprehensive, but chose to sing do it to uh, to the content and leads of the film. The song 1, 2, 3, 4, Get on the Dance Floor was released as a promotional single on World Music Day. On 27 June 2013, the video promo of the song. Was released, and on 11 June, July 2013, the promo video of Kashmir Me Kanya Kumari was released. On 19 July 2013, T Series uploaded a song to his its official channel on YouTube, sung by Hani Singh. The song was titled Lungi Dance, the Thalaiwar tribute in honor of the film actor Rajnikant. On 25 July 2013, a promotional video of the song Tera Rasta Me Chhodu was released. The music album was launched on 1st July 2013. So the film had paid previews in India on 8 August 2013, with 10 to 12 shows at multiplexes. Chennai Express was scheduled to be released in non-traditional international markets. In Peru, it was the first Hindi film to be released on the same day as in India. Chennai Express was also released in Morocco, Germany, Switzerland, Austria, France, and Israel. The price of tickets for Chennai Express was increased 40% above the usual tariff during the weekday shows, as up to 20% on weekends. Although this increase was not uniformly applied in all multiplexes, the film was released in 2,550 cinemas across 3,550 screens in India. And across 700 screens internationally, including 190 screens in North America, 175 in United Kingdom, 55 in the Middle East, and 13 in Australia, the widest Bollywood release up to that point. A first look of Chennai Express was released on 1 January 2013. A 31-second title track teaser sung by S. P. Balasubramaniam was released on. 23 May 2013 the official trailer of the film was released at an event in Mumbai on 13 June 2013 two days after its launch it exceeded 4 million views on YouTube the outfits worn by Khan and Padukone in the film were auctioned proceeds from the sale were donated to a charity the auction took place around the day of the film's release a karaoke app developed by Singbox, a Swedish gaming studio, was launched on 2 August 2013 for Android and iOS based smartphones. Khan promoted his film on the reality television shows Comedy Night with Kapil, Tarak Mehta's Thaka, Ulta Chashma, Madubala Ek Ishq Ek Janoon, DID Supermoms, Jalak Deklaja 6, and Indian Idol Jr. The zest Google's year end compilation of the most frequent search queries named Chennai Express, the most tending topic of 2013 in India. The film's satellite television rights were sold to Z Network for 480 million rupees. The agreement was linked to the film's box office revenue, the first deal of its kind in Indian cinema. If Chennai Express collected over 1.3 billion rupees net, then for every 100 million earned after that, the producers would get an additional twenty million rupees the film had its television premiere on twenty october twenty thirteen and was seen by a record number of viewers almost doubling that of the highest rated fiction show. It helped its broadcaster z t v to reach the top position and among general entertainment channels that month so there are some legal issues with the movie. Also along with Once Upon a Time in Mumbai Dubara, Chennai Express was initially abandoned by Pakistani distributors and exhibitors because four Pakistani films were released on the same day. The release date were postponed to 15 and 9 August respectively during its wide schedule of filming. The film's unit ran into trouble for using too much water from धूमधाम इन द ड्रॉफ्ट स्ट्रिकन इन स्तारा ऑफ महाराष्ट्र द स्टेट्स रिलीफ एंड रिहेबिलशन मिनिस्टर पतंग राव कदम एड्रेसिस द प्रॉब्लम. द फ्रेंड पोस्टर एंड ट्रेलर रिलीज ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब वर क्रिटिसाइज बाय सम समलियन मीडिया फॉर दियर डेपिक्शन ऑफ तमिल इथोज दिस एट पादुकोन्सवली एसेंटेड डायलॉग resembled a malayali accent rather than a tamilan padukone defended the film saying that it did not parody south indian culture and the most of the crew including him herself are south indians she later said why would we spoof our own culture on 31st july 2013 the nationalist political party maharashtra navnirman sena's film wing threatens to disrupt the film's premiere it reportedly attempted to dislodge ongoing popular marathi movies from cinemas that shows only one film at a time the party was upset with reports that the distributors of chennai express had demanded prime slots in single screen cinema and at some multiplexes where the super hit marathi film duniyadari had been popular since 19 july on 1 august 2013 both the film directors Rohit shetty and sanjay Jadav were called by the raj thakre to find a solution after listening to both parties thakre ruled that if duniyadari was not removed from single screen cinemas across the state then the mns would not object to the release of chennai express in maharashtra Chennai Express was released in 10 languages. Chennai Express received mixed reviews to positive reviews from critics worldwide. Tarn Adarsh of Bollywood Hangama gave the movie 4 out of 5 stars and wrote On the whole, Chennai Express has the trademark Rohit Shetty stamp all over. You seek entertainment, entertainment, and entertainment in a film like. Chennai Express and the movie lives up the hype and hopeless surrounding it. Rajat Gupta of Filmfare rated the movie 4 out of 5 stars, stating the films peppered with humorous set pieces and colorful locales and songs. Shati makes Chettinad style Masala movie. And that's the perfect description of this film. If you don't plan to engage in a multilateral Critic of dramatic elements and narrative, the film can be fun. Sarita Tanwar of DNA gave the movie 3.5 of 5 stars and said, This is a treat for all Hindi film lovers. It has all ingredients you had expect from a big commercial masala film. Big star cast, drama, action, comedy, songs, and the cars, chases, and big finish. All delivered in Shetty's unapologetic stylish. Overall, this is bubblegum blockbuster. Meena, year of Times of India gave the movie 3.5 of 5 stars, saying Chennai Express is a magnificently mounted film in an ode to his own cinema, real Golmal series of Bo Bol Bachan. Rohit Shetty, the director who has grosser in Bollywood's 100 crore club. Ups the scale for his Eid offering. So, the box office at the time, Chennai Express became the highest grossing Bollywood film both in India and around the world when it collected 3.96 billion rupees. It currently stands as the eighth highest grossing Bollywood film worldwide. The film's gross broke the 3.92 billion rupees record set by three idiots according to box office india the film's final worldwide gross was 423 crore rupees during paid previews chennai express performed well with the hindi version collecting 67.5 million rupees surpassing the previous record held by three idiots according to the box office india the film collected 292.5 million rupees on its opening day, making it the second highest opening day collection behind Ektha Tiger. The film broke the second and third day box office records, collecting 264.30 million rupees and 292.10 million rupees, respectively, respectively and collected 870.8 million rupees, including. including Paid previews breaking the previous weekend record set by Ye Javani Hadiwani. Chennai Express set another record for worldwide opening gross, earning 1.59 billion rupees in the three-day weekends. The film performed well on Monday, collecting over 1220 million rupees. It grossed 115 million rupees on its first Tuesday, becoming charu Khan's highest-grossing film in India. The film grossed 125.60 million rupees on Wednesday. So the film earned 1.85 billion in two weeks, and had collected 1.94 billion after its third week in the domestic market. It crossed 160 million rupees in its third week, bringing up a total of 200 billion rupees. Chennai Express broke the domestic net record by set by three idiots in its fourth weekend and added around 57.40 million rupees in week four to take the total of 2.06 billion rupees. The film collected 3.5 million rupees on its sixth week for a final total of 2.08.25 billion rupees the film's lifetime domestic distributor share stands at 1.15 billion rupees breaking ek tha tiger's previous record of 1.07 billion rupees overseas collection chennai express also broke overseas recording records during paid previews in the uk the film collected more than any first day of a bollywood film in the uk the film broke opening weekend records in foreign territories taking 504.70 million rupees including record collection from a key market in the US the UAE and the UK Chennai Express set a record for opening weekends overseas grossing 7.1 million US dollars it was also successful in Pakistan where it collected 18.4 million rupees in its opening weekend by 18 august the film had broke all the box office records in karachi by grossing over 14 million rupees the film earned 720 million rupees in just nine days in overseas market by the second weekend it had grossed approximately 14 million us dollars chennai express had grossed about 16 million us dollars by its third weekend overseas and 16.85 million us dollars by the fourth weekend by the Fifth weekend, the film had crossed about 17.25 million US dollars abroad. It was still collecting in its sixth weekend, taking it total to 17.40 million US dollars. A platform running game titled Chennai Express: Escape from Rameshwaram, based on the film and featuring Shahrukh Khan and Deepika Padukone was developed by. Disney UTV's Digital Wing and launched on 24 July 2013 for Android system. In the game, the player rides a virtual roller coaster, fighting off wounds and dodging obstacles while they attempt to collect over 10,000 coins in order to unblock Padukon's game avatar in an ode to his own cinema. Read Golmaal series Bol Bachan Rohil Sethi. Stylish the director who has glosses in Bollywood's 100 core club ups the scale of his Eid offering. Chennai Express is a magnificently mounted film, never having been strong in story department. Chennai Express 2 has a gullible plot line. Rahul is asked by his Dadi to drop his granddad's ashes in Rameshwaram, the southern southernmost of india he boards the chennai express chal chhod yaar nu 3 var karna ko dekhi